मच्छी है, चूरमे में फिश फ्राई है, तो इसको धो के वाश करके ऐसा कट करके लगा के रखने का, और उस पे थोड़ा नमक रखा है। अभी मैं नमक ले रही हूँ, ये पूरा लगा रही हूँ, नींबू नहीं लगा, मेरे खट्टा खट्टा नहीं अच्छा लगता। अभी ये हल्दी, इसके बाद मिर्ची का पाउडर, जितना जितना मिर्ची की चाहिए उतना पाउडर। इसके बाद अब उसमें थोड़ा जीरे का पाउडर, काली मिर्च का, और ये धनिया, ये सब मिला के इसको अच्छा सा पूरा कट में सब में भर देने का। तो इसके पेट में से भर के ये सब मसाला है, कम पड़ी है सब। अभी आधा घंटा हो चुका है, अभी हम लोग इसको फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले फ्राई पैन में चूल्हा जलाएंगे, फ्राई पैन में तेल डालेंगे। उससे आ रही है, थोड़ा बेसन है, इसमें थोड़ा मिर्च का पाउडर और नमक डाला हुआ है, मिलाया हुआ, और चाट मसाला है, और इसमें राई का तेल डाल रही है। हम लोग को राई का तेल सब अच्छी अच्छी लगती है फ्राई की। तो तीन टेबलस्पून राई का तेल से गरम करते हैं। जब तक ये गरम हो रहा है तब तक ये मच्छी जो है मसाला लगी हुई है इसमें, इसको थोड़ा इसमें लगा लेते हैं जब तक ये गरम हो रहा है तब तक। गरम हो चुका है तेल, इसको इसमें डालते हैं फ्राई पैन में। वैसे लोग इसको मैदे में भी फ्राई करते हैं, आटे में भी, लेकिन हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है बेसन में, हम लोग को ज़्यादा बेसन में पसंद है। थोड़ा इसको धीमा कर देते हैं ताकि मच्छी गले नहीं और ठीक से पक जाए। Thank you.
एक तरफ से पक गई होगी, अब ये अब दूसरे तरफ से इसको फ्राई करेंगे। देखिए एक तरफ से पक चुकी है, अभी दूसरे तरफ से फ्राई होगी। अभी इसमें 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने को। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है चारों तरफ से। अभी हम लोग इसे प्लेट में निकालेंगे। ये हम लोग अपनी प्लेट में से निकाल लेते हैं। पीला बन कर देखते हैं, और मच्छी ज्यादा पक गई, मच्छी को बहुत ज्यादा भी नहीं पका रहा हूँ, तो जल जाएगी। ये हमारी मच्छी हो गई तैयार। अभी हम इसे थोड़ा प्याज से गार्निश कर देते हैं। ये हो गई हमारी फिश फ्राई सुरमई, बहुत टेस्टी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा।